वाराणसी से खबर आ रही है जहां पर बूथ संख्या 29 पर गहमा गहमी बना हुआ है। मतदान कर्मी पर बिफर गए हैं मेयर, मतदान कर्मी पर दुर्व्यवहार करने का मेयर ने आरोप लगा दिया है, पार्टी का नुकसान कराने की बात भी मेयर साहब ने कही है। मेयर ने डीएम से मतदान कर्मी की शिकायत अब कर दी है। शिकायत के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो बूथ संख्या 29 पर गहमा गहमी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मेयर पहुंचे थे वहां पर, जो मतदान कर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे उनके ऊपर बिफर गए मेयर साहब, उसके बाद दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया। आप पार्टी को नुकसान कराने की बात कहके उन्होंने इस पूरे मामले की एक शिकायत डीएम से की है और डीएम से शिकायत करने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल अमित, कोई जानकारी मिल पाई है कि कुछ गहमा गहमी हो गई है बूथ नंबर 29 पर और मेयर साहब बिफर गए? देखिए, इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ गाजीपुर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ हलचल थोड़ी तेज़ हो रही है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लाने हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि वही सेंटर है जहाँ आके उसको लेकर सब अलर्ट पुलिस पहुँच चुकी है। और तो तकनीकी खराबी और इसीलिए अमित गंजू से संपर्क भी हमारा टूटा है। देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक तरफ प्रतिष्ठा जो दिग्गजों की है वो ईवीएम में कैद हो रही है, दांव पर लगी है, तो वहीं दिग्गज आज वोट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे आपने देखा, सबसे पहली तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई थी वो जेपी नड्डा की आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से पहुंचे थे वोट डालने के लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, इसका जवाब वोट परसेंटेज के ऊपर। देखिए, वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाता है विपक्ष की तरफ से कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए गए हैं। वहीं अगर वोट परसेंटेज गिरता है तो भी ठीकरा बीजेपी के लिए फोड़ा जाता है कि भाई लोग वोट करने ही नहीं गए हैं बीजेपी के लिए। तो वोट परसेंटेज से समझे क्या, और इस बार का 2024 का जो वोट परसेंटेज आपको देख रहे हैं उसका नुकसान और फायदा किसको होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए कंजन जी, इसको इस तरीके से समझा जाए कि वोट प्रतिशत अगर गिरता है तो ऐसा नहीं कि वो गिरने से कोई सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है या वोट ज्यादा पड़ रहा है तो बदलाव का वोट हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज मतदाता निराश क्यों है, मतदाता के अंदर वो उत्साह क्यों नहीं है कि वो वोट कास्ट करने जाए। 11 बजे तक जो वोट अभी पड़ा है, मेरा ये मानना है कि 11 बजे से लेके 12 अभी बजेगा, 1 बजेगा, तो उसके बाद 4 बजे तक वोटिंग कम होगी, 4 बजे के बाद फिर लोग निकलेंगे। तो ये जो एक तपती धूप में एक इसका कारण है, दूसरा निराशा, ये एक सबसे बड़ा कारण है। पूरे 6-7 चरण में आपने कंचन जी देखा होगा कि मत प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है, मत प्रतिशत गिर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मत प्रतिशत गिर रहा है तो कोई वो बदलाव का वोट हो रहा है, सत्ता पक्ष के पक्ष में भी जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई दे रही है कि जो निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की थी और जो ये चरण जो सातवां गया है, क्योंकि ये जो मौसम का जो पूरा मामला है, ये इनको देख के 5 चरण में चुनाव परसेंटेज पर असर होता हुआ जरूर दिख रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें इस चर्चा में रुकना होगा। ये बड़ी कवरेज सातवें चरण के रण की लगातार न्यूज 18 पर जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।